Hello and good afternoon, students. I hope you all are well and stay at home. This video is mainly concerned with DLED second year, and in a DLED second year, your paper, which I will discuss about your paper 3, which is your core paper. In that paper today we are discussing unit 1, which is your school organization directions and counseling. ये आपका पेपर का नाम है. उसमें जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेनली है स्कूल कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल. तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल का. स्कूल क्या है? स्कूल शब्द जो है ये डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसका जो ग्रीक वर्ड है वो है स्कोले, SKHOLE, स्कोले. स्कोले का लिटरली जो मतलब होता है वो होता है लेजर, लेजर टाइम. तो अजीब लग रहा है ना, स्कूल बिजी होता है और यहाँ पे जो ग्रीक वर्ड से आया है वो है लेजर. लेजर इसलिए क्योंकि एंशियंट ग्रीक में क्या होता था, शिक्षा जो था ये सबों के लिए नहीं था. एजुकेशन इज नॉट फॉर ऑल, ये शिक्षा सबों के लिए नहीं था. शिक्षा सिर्फ रिच जो थे, जो समाज के प्रीस्ट वर्ग थे, जो इलिट क्लास थे, वो लोग ही शिक्षा प्राप्त करते थे. जैसा कि एंशियंट इंडिया में भी था कि वैदिक जमाने में जो है वो शिक्षा सबों के लिए नहीं होता था. शिक्षा कुछ वर्ग के लोग ही ले पाते थे, जैसे ब्राह्मण वर्ग के लोग शिक्षा प्राप्त करते थे, क्षत्रिय वर्ग के लोग युद्ध कला में अपना हाथ आजमाते थे, वैश्य वर्ग के लोग व्यवसाय करते थे, और जो निम्न वर्ग के लोग होते थे, शूद्र जो होते थे, वो खेतों में मजदूरी के काम. इस तरह से शिक्षा उस समय में नॉट फॉर ऑल था. ग्रीक में भी इसी तरह से था. तो लेजर, स्कोले का मतलब है लेजर टाइम. तो स्कूल जो आया ना, लेजर टाइम का यूटिलाइजेशन किस तरह से किया जाए, तो एक सेटअप को जो तैयार किया, उस सेटअप का नाम बाद में जाके स्कूल पड़ा, जो ग्रीक वर्ड स्कोले से डिराइव किया गया है. स्कूल का एक परिभाषा है जो स्कूल का W.M. Ryburn ने दिए थे कि स्कूल इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ सोसाइटी वेयर कोऑपरेशन इज सॉट. तो स्कूल कैसा एक सोसाइटी, एक कोऑपरेटिव सहयोगात्मक समाज है, या फिर एक ऐसा समाज जहाँ सहयोग क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, हम सीख करते हैं. तो स्कूल क्या हो गया? एक कोऑपरेटिव माहौल हो गया, एक सोसाइटी हो गया, जहाँ हम लोग कोऑपरेशन, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और एक दूसरे से कोऑपरेशन प्राप्त भी हो करते हैं. ये तो हो गया स्कूल. अब आइए ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. ऑर्गेनाइजेशन हम किसको कहेंगे? डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप लोग आम भाषा में जानते हैं कि कोई भी संगठन जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हिंदी में संगठन हुआ, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मंदिर एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, चर्च एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंपनियां एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, NGO एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है. तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन. तो ऑर्गेनाइजेशन का जो लिटरली मीनिंग है, जो सामान्य भाषा में हम कह सकेंगे ऑर्गेनाइजेशन मीन, तो ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा, बाय विच जो ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी ऑर्गेनाइज या ऑर्गेनाइज देयर, दे ऑर्गेनाइज देयर, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज देयर ऑल इक्विपमेंट या ऑल रिसोर्सेज लाइक ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, देयर टेक्निकल रिसोर्स, ऑल रिसोर्सेज इन अ सच अ वे दैट दे अकॉम्प्लिश देयर गोल. तो या दे फुलफिल देयर गोल. तो मतलब हो गया कि कोई भी संगठन जो होता है वो अपनी रिसोर्सेज को, अपने संसाधन, अपने यहाँ उपलब्ध संसाधनों को इस तरह सिस्टमेटिक और इफेक्टिव मैनर में तरीके से समय व्यवस्थित करता है, एक सिस्टम बनाता है, ताकि वो जो गोल सेट करता है वो ऑर्गेनाइजेशन, वो उस गोल तक पहुंच सके. तो ये किसी भी संगठन को आप लिटरली मीनिंग कह सकते हैं. ऐसे भी देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर बाय विच हार्मोनियस इंटर रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन वर्कर्स एंड देयर वर्क. तो ये जो संगठन है, एक ऐसा
सिस्टम है, एक ऐसा व्यवस्था है या एक ऐसा संरचना है, स्ट्रक्चर है, जिसके द्वारा जो एक हारमोनियस, एक अच्छा जो है संबंध, हारमोनियस रिलेशनशिप बनाया जाता है वर्कर्स और वर्क, वहाँ काम करने वाले लोग और काम के बीच एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा संबंध, हारमोनियस इंटर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है। तो स्कूल क्या हो गया और ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? स्कूल हो गया जहाँ एक ऐसा सोसाइटी जहाँ कॉपरेशन को हम सीख करते हैं, सॉल्व करते हैं, या ये एक कॉपरेटिव सोसाइटी है ये स्कूल। और ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? वो अपने रिसोर्स को, अपने अवेलेबल रिसोर्स को इस तरह से स्ट्रक्चर, इस तरह से प्लान करता है, इस तरह से अपने रिसोर्सेज को, इक्विपमेंट्स को, टेक्नोलॉजी को, मैन मटेरियल, मशीन, ह्यूमन रिसोर्स, सबको एक ऐसा तरीका से इफेक्टिव और सिस्टमेटिक वे से अरेंज करता है ताकि वो अपने गोल को एकम्प्लिश कर सके। आप देखिए, अब आते हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्कूल क्या करेगा? स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल इज अ वन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है कि आप लर्नर के जो टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाना, अपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो गोल सेट करता है स्कूल, किसके लिए सेट करेगा स्कूल गोल? स्कूल के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि टीचर हैं, करिकुलम है, स्टूडेंट है, यानी लर्नर, एडुकेशन एंड द टीचर्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द स्कूल। तो वो क्या करेगा? एंड अनदर कंपोनेंट जो भी स्कूल्स के होते हैं, उसको इस तरह से अरेंज करेगा ताकि स्कूल जो कोई गोल सेट कर दिया है उसको वो एकम्प्लीट कर सके, पूरा कर सके। तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो शब्द है वो ऑर्गेनाइजेशन के ही आप डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन अपने समय को, अपने रिसोर्स को, अपने पर्सनल को इस तरह से अरेंज करता है ताकि स्कूल जो है अपना जो उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करता है उस लक्ष्य तक वो आसानी से पहुंच सके। ये हो गया स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। अब आप लोग देखेंगे जैसे कि आपका सिलेबस में कहीं कहीं मैनेजमेंट संगठन और मैनेजमेंट, यानी कहीं लिखा है विद्यालय प्रबंध, कहीं लिखा है विद्यालय संगठन, कहीं लिखा है विद्यालय प्रशासन। तो आप लोग इस तीन वर्ड में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये क्या है। तीनों वर्ड का जो लिटरली मीनिंग है वो अलग अलग है, इसीलिए हम चाहेंगे इस वीडियो में कि थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको हो जाए। तीनों एक चीज नहीं है, विद्यालय संगठन, विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो तीनों अलग अलग चीज है। तो देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का तो आपको कॉन्सेप्ट दे दिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एक जो है वास्ट एरिया है, उसके अंतर्गत आता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? गोल सेट करता है, गोल को सेट करता है और पॉलिसीज को अपने लिए फॉर्मुलेट करता है, पॉलिसीज जनरेट करता है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डायरेक्शन देता है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कोऑर्डिनेशन करता है, ऑर्गेनाइजेशन से उसे क्या चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप क्यों किया, अल्टीमेटली गोल कहिए आप, ये वो फॉर्मुलेट करता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? अपने डिफरेंट एलिमेंट्स के थ्रू उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल सेट किया है उस गोल को प्राप्त करने के लिए डिफरेंट अपने यहाँ के इक्विपमेंट्स को यूज करता है। तो मेनली क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल करने का काम करता है। मैनेजमेंट फिर क्या हो गया? मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन ने गोल सेट किया है वो आएगा एडमिनिस्ट्रेशन के पास, वो फिर जहाँ इस गोल को प्राप्त करने, जिस चीज के थ्रू वो गोल को प्राप्त करेगा वो हो जाएगा उसका मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट इज अ एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज अ एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से हायरार्की है ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। जैसे कि मैनेजमेंट शब्द से ही आपको पता चल रहा है, मैनेजमेंट, मैनेज प्लस मेन प्लस टी, मैनेज करना किसको? मेन को। कैसे? टैक्टफुली, तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक, अकॉर्डिंग टू देयर गोल, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स जो है मैनेजमेंट मैनेज करता है।
जो अरेंज करता है अपने यहाँ के अवेलेबल रिसोर्स को। तो मैनेजमेंट क्या हो गया, एग्जीक्यूशंस हो गया। अब आप देखिए हायरार्की में, ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने यहाँ के सारे रिसोर्सेस को इस तरह से अरेंज करता है ताकि वो अपने को गोल को प्राप्त करे, लेकिन वो किसके थ्रू करता है, मैनेजमेंट के थ्रू करता है, एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्योंकि एग्जीक्यूशन पार्ट है, तो स्कूल के अंतर्गत कैसे मैनेजमेंट काम करता है, स्कूल के अंदर क्योंकि स्कूल के कंपोनेंट्स टीचर हैं, स्टूडेंट है, एजुकेशन है, करिकुलम है, डिफरेंट एक्टिविटीज है, ये सारी चीज जो है मैनेजमेंट देखता है कि स्कूल की जो सारी व्यवस्था है वो किस प्रकार से हो रही है। सारी व्यवस्था को अरेंज करता है, टीचर कब किस क्लासरूम में जाएंगे, टीचर कब कौन सा लेसन लेंगे, टीचर कब कौन सा पेडागोजी से कौन सा लेसन को लेंगे, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन कैसे हारमोनियस डेवलप हो उसके लिए एक्टिविटीज को प्लान करेंगे, जो टीचर्स हैं उनके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता है उसको प्लान करेंगे, यानी लेबोरेटरी के सिस्टम्स को प्लान करेंगे, लाइब्रेरी के सिस्टम को प्लान करेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे ठीक रहे उसको प्लान करेंगे, जो प्लेग्राउंड है, ड्रिंकिंग वाटर है, लाइट की प्रॉब्लम्स है, शौचालय की प्रॉब्लम्स है, प्लेग्राउंड का प्रॉब्लम है, ये सारी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करेगा मैनेजमेंट। और स्कूल में ऑर्गेनाइजेशन ने क्या गोल सेट किया है कि हम स्कूल में एक डेमोक्रेटिक, एक हारमोनियस इंटर रिलेशनशिप रखेंगे, ये मेरा आउटकम होना चाहिए, लर्निंग आउटकम मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरा जो अचीवमेंट है स्कूल का ऐसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन सेट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन उसको अपने ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंटेशन तक एडमिनिस्ट्रेशन के पास आया, और उसको एग्जीक्यूशन कौन करेगा, मैनेजमेंट। तो और स्कूल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके प्रिंसिपल जो हो गए स्कूल के वो क्या हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट हो गए, और प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल से नीचे जो वाइस प्रिंसिपल हो गए, फिर कोऑर्डिनेटर हो गए, डिफरेंट टीचर्स हो गए, ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ देयर मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ये स्कूल के स्तर पे, ऐसे ही हम इसको वास्ट एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं कि अगर इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके हेड कौन हो गए, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेड जो है प्रेसिडेंट हो गए, और प्रेसिडेंट के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाते हैं हमारे, इसमें देखेंगे एग्जीक्यूशन जो मेनली होता है पॉलिटिकल व्यू से जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू होता है, लेकिन जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो भी एग्जीक्यूशन के पार्ट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी एग्जीक्यूशन के पार्ट होते हैं, लेकिन जो प्लानिंग मेकर होते हैं, जो लॉ मेकर होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेकर होते हैं वो पार्लियामेंट हो गया, और उसके चूंकि सदस्य वन ऑफ द हेड है प्रेसिडेंट, इसलिए मैंने प्रेसिडेंट की चर्चा किया। तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गए जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हो गए जो उनको सजेस्ट करते, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो प्राइम मिनिस्टर करते लेकिन सजेशंस जो है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर देते हैं। तो संसद जो हमारा हो गया वो एक पॉलिटिकल सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो संसद हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जो है वो उसके एग्जीक्यूशन पार्ट हो गए। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे गौर से तो इसी तरह से होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट दोनों पार्ट है। तो आपकी सिलेबस में इसीलिए विद्यालय प्रबंध, विद्यालय संगठन और विद्यालय प्रशासन, एक तीन शब्द में अंतर बताने का हम कोशिश किए हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, आप देखिए इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन आता है, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो आता है वो मैनेजमेंट या इसका एग्जीक्यूशन पार्ट आता है। सिंपली एक एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन पे कि किस तरह से स्कूल ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, जो आपके सिलेबस में दिया है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की उद्देश्य, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का सिद्धांत। तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। तो अच्छा, एक मैनेजमेंट में एक पार्ट छूट गया जिसको समझने के, आप देखिए कि मैनेजमेंट के पांच कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना,
कमांड करना, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना, ये हमारे 5 पार्ट्स होते हैं मैनेजमेंट का। तो जब एग्जीक्यूशन आते हैं, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जब अपना गोल सेट करता है और जब वो एग्जीक्यूशन पार्ट में आता है, तो उस गोल को प्राप्त करने के लिए प्लानिंग किया जाता है, प्लानिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है और देन उस प्लानिंग को कोऑर्डिनेट किया जाता है। यानी जैसे आप जानते हैं कि स्कूल जो है वो कॉपरेशन ऑफ सोसाइटी है, या सोसाइटी वेयर कॉपरेशन इज सीक, तो कॉपरेशन सबके सहयोग से कामों को कोऑर्डिनेट किया जाता है, कोई फिर उस काम को कमांड करता है, यानी कि डायरेक्शंस देता है, डायरेक्शन देता है ये काम इस तरह से होना चाहिए, टीचर इतने बजे क्लासरूम में जाएगी, लाइब्रेरी का टाइम इतने बजे होगा, टिफिन लंच आवर इतने होगा, गेम पीरियड ये होगा, उसको कोई डायरेक्शंस दिया, देन उसको कंट्रोल भी किया जाता है कि हाँ अच्छे से ये काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कितने इफेक्टिव मैनर्स में हो रहा है, जो एम सेट है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं प्रॉपर, तो उसको कंट्रोल भी करता है, कमांड भी करता है और लास्ट में उसको मॉनिटर भी किया जाता है। और कंट्रोल एंड मॉनिटर सेम चीज़ है, उसके बाद उसका इवैल्यूएशन किया जाता है कि प्रॉपर जो हमारा गोल सेट था वो प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मैनेजमेंट का डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। एग्जीक्यूशन के लिए इन मेथड को अपनाया जाता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग एंड इवैल्यूएशन। तो ये हो गया मैनेजमेंट का पार्ट। अब हम आते हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के एम्स पे। तो बेसिकली स्कूल, जैसा कि हमने कहा कि किसी भी सोसाइटी का एक हिस्सा होता है, स्कूल पार्ट ऑफ द सोसाइटी होता है वो, और वो सोसाइटी के ही जिस प्रकार की सोसाइटी होती है उसके आधार पे कोई भी स्कूल बेस्ड होता है। तो स्कूल का एम भी कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए ही बनाई जाती है, उस कंट्री के लिए बनाई जाती है जिस कंट्री में पर्टिकुलर स्कूल होता है। तो सोसाइटी के लिए अगर एम बनाई जाएगी, अगर आप लोग लाइव हो तो अगर कुछ कमेंट करेंगे तो मुझे आसानी होगी समझने में कि आप लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, कोई डाउट हो रहा है, कोई क्वेश्चन है, तो ये सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगा, वरना वन वे लर्निंग जैसा लग रहा है मुझे। तो कहाँ थे हम, एम ऑफ द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। तो एम ऑफ द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, तो चूंकि वो किसी भी कंट्री में स्कूल होता है, किसी भी सोसाइटी के अंतर होता है, तो उसका अल्टीमेट जो गोल होता है उस स्कूल का, वो होता है कि सोसाइटी के लिए बेटरमेंट करना, बच्चों को इस तरह से तैयार करना कि वो सोसाइटी की जो डिमांड है उस पर खड़े उतर सके, सोसाइटी को नॉर्म्स को समझ सके, सोसाइटी के या कंट्री के बेटरमेंट के लिए काम कर सके, ये स्कूल का मेन उद्देश्य होना चाहिए। तो स्कूल जो है एक अपने यहाँ इसको फुलफिल करने के लिए अपने यहाँ एक ऐसा डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट तैयार करता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक हम इसलिए शब्द इस्तेमाल किए क्योंकि डिफरेंट कंट्री जहाँ जहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, जिस कंट्री में, उसको स्कूल में भी ऑटोमेटिक जो है डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को ही स्कूल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं, ताकि जो मेरा गोल अकम्प्लिश हो सके, क्योंकि हमें भावी नागरिक बनना है इस देश का। तो अगर देश में डेमोक्रेटिक सेटअप है तो उस चीज की नींव स्कूल का उद्देश्य होता है, उस चीज का नींव कहीं ना कहीं स्कूल में ही पड़ जाना चाहिए, इसीलिए स्कूल में एक डेमोक्रेटिक सेटअप तैयार करने का काम किया जाता है। और फिर जो होता है ये चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, इनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल का जो वन ऑफ द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, या चाइल्ड का ऑलराउंड डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने वाला होना चाहिए। उसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए कि बालकों का जो ऑलराउंड डेव सर्वांगीण या चतुर्मुखी विकास के लिए विकास करना उसका एम होना चाहिए। और पहला एम होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक जो सेटिंग्स है, जो प्रजातांत्रिक जो सिद्धांत है, उसके आधार पे स्कूल अपना उद्देश्य निर्धारित करता है। एंड एक हार्मोनियस इन्वायरमेंट या एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जनरेट करना भी उसका एक उद्देश्य है, लर्निंग टीचिंग जो आउटकम्स है उसको, या लर्निंग टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए स्कूल का उद्देश्य होना चाहिए कि वो हार्मोनियस या कंड्यूसिव इन्वायरमेंट अधिगम और शिक्षण के लिए स्थापित करे। तो ये उद्देश्य, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, सोसाइटी सेंटर होना चाहिए, ये सारी उद्देश्य जो होता है वो
हमारा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जब कोई प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, जब उसका कोई सिद्धांत होगा, तो उस इस सिद्धांत के आधार पे ही वो अपना ऑब्जेक्टिव्स भी तैयार करता है। तो इसको हम देख लेते हैं आगे कि सिद्धांत क्या है, मतलब किस बेस पे खड़ा है हमारा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, इसको डिटेल में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि बेस इम्पॉर्टेंट होता है। हम मेरा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना बेस का तो खड़ा नहीं होगा। उसके बेस क्या है, उसके आइडियाज क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या है, तो आइडियाज और प्रिंसिपल को जानते हैं। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का आइडियाज क्या है, प्रिंसिपल क्या है, देन फिर डिटेल में ऑब्जेक्टिव्स पे जाएंगे। तो प्रिंसिपल जो है, पहला प्रिंसिपल होना चाहिए, जैसा ऑब्जेक्टिव्स में भी हम डिस्कस किए, चाइल्ड सेंटर्ड प्रिंसिपल होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड प्रिंसिपल होने से क्या होगा, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यतः, चूंकि जानते हैं कि टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना, टीचिंग लर्निंग गोल अकॉम्प्लिश करना या उसको सीख करना ही और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंक्शन होता है। तो उसके लिए कैसे इस गोल को हम अचीव करेंगे, तो अगर हम बच्चों का लर्निंग एनवायरनमेंट या उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए सारी एक्टिविटीज का प्लान करता है, इस सिद्धांत पे अगर खड़ा होता है कि हम बालकों के चहुमुखी विकास के लिए वातावरण तैयार करेंगे, डिफरेंट प्रोग्राम को तैयार करेंगे, तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद देखेंगे कि चाइल्ड का जो इंटरेस्ट है, जो एबिलिटी है, जो एटीट्यूड है, जो एप्टीट्यूड है, उसके मुताबिक अगर हम बच्चों को डेवलप करने का पूरा अवसर प्रदान करते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रदान करना भी वन ऑफ द प्रिंसिपल होना चाहिए, कि बच्चों का क्या नीड्स है, क्या इंटरेस्ट है, क्या इंटेलिजेंस लेवल है, क्या एटीट्यूड है, क्या एप्टीट्यूड है, वो किस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, उनका सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट कैसा है, उसके आधार पर अगर हम सारे एक्टिविटीज स्कूल ऑर्गेनाइजेशन तय करना है उसको, वो इसी बेस पे, वो इसी प्रिंसिपल को लेके आगे चलता है। उसका बेस ही और प्रिंसिपल ही यही होता है। फिर वो होता है सोसाइटी सेंटर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो पहले भी बताए सोसाइटी सेंटर की, चूंकि हमने पहले डिस्कस कर दिया, सोसाइटी के नीड्स को ही फुलफिल करने के लिए स्कूल का स्थापना होता है, और स्कूल के नीड्स को पूरा करने के लिए सोसाइटी का उसमें कोऑपरेशन होता है। तो अगर हम किसी भी स्कूल को एस्टेब्लिश किए हैं कि स्कूल को एस्टेब्लिश किए हैं कि वो सोसाइटी के लिए एक अच्छा भाविक नागरिक, एक देश के लिए अच्छा भाविक नागरिक दे सके, तो इसी बेस पे हमारा जो है ये स्कूल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है। कैसे, क्योंकि सोसाइटी का जो डिमांड्स होता है, जो नीड्स होता है, वो स्कूल पूरा की भी, सोसाइटी का जो डिमांड्स होता है वो समय के हिसाब से बदलता है, समय के कॉन्टेक्स्ट में वो चेंज होता है। अगर स्कूल ऐसा रहेगा कि वो सोसाइटी से वो मतलब नहीं रखेगा कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, तो फिर स्कूल का जो गोल है वो भी किसी कंट्री के बेटरमेंट के लिए फुलफिल नहीं होगा। इसलिए स्कूल का गोल ही होता है कि हम सोसाइटी और कंट्री के अपलिफ्टमेंट के लिए हमेशा काम करें। तो सपोज कीजिए कि अभी ये कोरोना के माहौल, इसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी इतने हमारे देश में कोरोना और उससे बचने के उपाय चल रहे हैं, तो ये हमारा अभी सोसाइटी का नीड से है कि ईच एंड एवरी चिल्ड्रेन एज वेल एज एडल्ट जो है जागरूक हो, अवेयर हो इससे बचने के, कि किस तरह से हम इस बीमारी से कम बचाव कर सके, लड़ सके और हम सुरक्षित रह सके। तो इसके लिए टीचर्स अभी जैसे ऑनलाइन जो टीचर्स लोग क्लास ले रही है, वो बच्चों को ये गाइडेंस देती है, ये काउंसलिंग करती है, उनको ये एडुकेट करने का कोशिश करती है कि आप अभी अपना जो टेम्परामेंट है वो किस तरह से रखें, अभी अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें, अभी कैसे इस परिस्थिति को आप अडॉप्ट करें। तो उसके लिए जैसे क्लीनिंग हो गया, जैसे इम्यूनिटी बूस्ट करने की चीज़ें हो गई, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे आप अपने डे टू डे लाइफ को अभी अभी के माहौल में कैसे एडजस्ट करोगे, कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करोगे, कैसे दूसरों के बचाव के लिए खुद को अपने को घर पे रखो, तो ये सारी चीज़ें अभी क्या होगी, जनरल मेरी सोसाइटी की नीड्स होगी एज वेल एज हमारी कंट्री की नीड्स होगी। तो इसको फुलफिल करने का काम कौन कर रहा है, स्कूल कर रहा है। तो स्कूल का तो ये सिद्धांत होता ही है कि हम सोसाइटी के लिए काम करें, तो अगर स्कूल ये शिक्षा नहीं दे तो हम इस माहौल से कैसे लड़ेंगे। तो स्कूल जो है इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो भी हमारे कंट्री और सोसाइटी का चेंजेबल नीड्स होता है, हम जिस तरह की डिमांड्स होती है उसको पूरा करने का जो काम है वो स्कूल करता है। इसलिए स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और विद्यालय संगठन जो है इस प्रिंसिपल पे खड़ा रहता है कि हम सोसाइटी सेंटर्ड बने, कंट्री सेंटर्ड बने।
नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्कूल के अंदर फुलफिल करना और डेमोक्रेटिक सेटअप का वातावरण बनाना भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का एक वन ऑफ द मेजर उद्देश्य प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है। ये कैसे होता है? तो स्कूल में आप देखते होंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंस, ये व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पे अगर स्कूल अपने या विभिन्न क्रियाओं का आयोजन करता है, जैसे कोई बच्चा का व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब किसी बच्चा का बैकग्राउंड कैसा है, किसी बच्चे को इंटरेस्ट कैसा है, खेल में इंटरेस्ट है, पढ़ाई में, गीत संगीत, डिफरेंट सर्च करना, कुछ खोज डिस्कवर करना, एक्सप्लोर करने वाला बच्चा है, इसका एप्टीट्यूड क्या है, थोड़ा ये इसका शांत टेम्परामेंट या थोड़ा हाई टेम्परामेंट है, वोकल में अच्छा है, ये अच्छे घर से बिलोंग करता है, मतलब डिसिप्लिन है या थोड़े से, तो उस तरह से मतलब जो नीड्स होते हैं बच्चों के, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख के, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रख के, जो बच्चों की नीड्स होती है, जो बच्चों का इंटरेस्ट होता है, जो बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल होता है, कि कोई बच्चा थोड़े से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इंट्रैक्शन के कारण किसी और बच्चे से थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंस हो सकता है, कोई थोड़ा एवरेज, थोड़ा को लो, क्योंकि किसी भी क्लासरूम में जो होता है इसी तीन तरह का स्ट्रक्चर होता है, हाई स्कोर का बच्चा होता है, एवरेज होता है, बिलो होता है, तो बिलो एवरेज होता है, तो इस तरह का सेटअप होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट एक्टिविटीज को प्लान करें ताकि हमारे स्कूल में जो है वो किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, तो सबों में समानता की इक्वालिटी लेवल पे सब कोई आ जाए। तो ये डेमोक्रेटिक सेटअप के अंतर्गत आता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रख के स्कूल के द्वारा विभिन्न क्रियाओं का आयोजन करना। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करने की, अवसर की समानता सबको प्रदान करना, यानी कोई भी मान लीजिए स्कूल में बाहर से कुछ प्रोग्राम को कंडक्ट करने कराने आता है, कोई बाहर का बाहर का कोई ऑर्गेनाइजेशन से कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कम्युनिटी कुछ ऑर्गेनाइज करने आता है, कोई कंपनी आती है तो या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो क्या ऐसा नहीं होता है कि हम उस स्कूल में जाए कुछ बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए दे और बाकी को नहीं दे, ऐसा तो होता नहीं। तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं ऐसा होता? क्योंकि उसका एम ही है कि हम डेमोक्रेटिक सेटअप को अपने स्कूल में किस तरह से प्रोवाइड करें। तो डेमोक्रेटिक सेटअप ये कहता है कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए बच्चों को, तो सारे जो एक्टिविटीज होते हैं या बाहर से जो अपॉर्चुनिटी आते हैं या जो स्कूल अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, सारी जो डेवलपमेंट होती है बच्चों के स्कूल के अंदर ही होती है, तो अपॉर्चुनिटी किसी के साथ भी किसी तरह के भेदभाव करके वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता है। स्कूल सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ही वन ऑफ द प्रिंसिपल होता है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का। देन आप देखिए कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से फ्रीडम जो स्वतंत्रता वन ऑफ द प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक फीलिंग्स का सेटअप का, उसको भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करता है, उसी सिद्धांत पे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। कैसे फ्रीडम? बच्चों को किसी भी तरह की जो एक्टिविटीज होती है उसमें वो अपने विचार को बिना किसी डर झिझक के टीचर्स के सामने, असेंबली में सब बच्चों के सामने, या उस वो अगर कुछ करना चाहता है स्कूल के लिए तो उसे किसी भी तरह की झिझक का माहौल ही वहाँ पे नहीं होता है। वो फ्रीली जाके जो एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, जो मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन पार्ट वाले लोग हों, उनको जाके वो कंसल्ट करते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे इस विषय पर इस तरह से बोलना है, मैंने ये कविता लिखी, मुझे मैगजीन में देना है, मैं ये म्यूजिक का नया धुन बनाया है, मुझे स्कूल के इस तरह का, तो बच्चों में इस तरह से फ्रीडम दिया जाता है एक्सप्लोर करने के लिए कि आप खुद से एक्सप्लोर कीजिए चीज़ों को स्वतंत्रता पूर्वक, किसी भी तरह का आपके पास जो है बंधन नहीं है, मतलब बंधन निगेटिव पॉजिटिव सेंस में होता है, पॉजिटिव आपके ऊपर जो है बंधन है बट निगेटिव कोई बंधन नहीं है। पॉजिटिव बंधन मतलब कि कोई इनडिसिप्लिन बिहेवियर उसमें नहीं आना चाहिए जिसके कारण दूसरों को भी बाधा पहुंचती है और स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस को एम को भी फुलफिल करने में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उस निगेटिव स्वतंत्रता को नहीं, पॉजिटिव स्वतंत्रता का यहाँ बात हो रहा है, तो ये प्रदान किया जाता है। इसी तरह की फ्रीडम जो है टीचर्स को भी है, टीचर्स को है कि आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी ट्रेनिंग है, जो भी रिसोर्स आपको चाहिए वो स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड कराती है टीचर्स को,
अगर टीचर्स को भी कुछ बोलना है, कोई प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करना है, किसी बच्चे बच्चे के अपलिफ्टमेंट के बारे में कोई स्ट्रेटजी अपनाने हैं, पेडागोजी में चेंज करने के, पेडागोजी के लिए अगर कोई न्यू रिसोर्स की उसको जरूरत है या न्यू टेक्निक से पढ़ाना चाहते हैं, तो उनको अपनी ग्रोथ के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, एज वेल एज बच्चों की कंटेंट को भी समझाने के लिए जिस रिसोर्स की जरूरत है, ये सारी चीजें टीचर्स भी फ्रीडमली अपनी बातों को स्कूल में रख पाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, मैनेजमेंट के सामने। तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन टीचर्स को भी उतनी स्वतंत्रता प्रदान करता है जितने कि बच्चों को। अब है करिकुलम फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी के भी प्रिंसिपल पर काम करता है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम पहले चेंजेस किए कि करिकुलम फ्लेक्सिबल कैसे, तो करिकुलम भी अब समय के साथ बदलता है, क्योंकि अगर सोसाइटी की नीड्स बदलती है, कंट्री की नीड्स बदलती है, या एग्जाम्पल आपके शहर की ही अगर कोई ज़रूरतें शामिल हो जाती है, तो आप करिकुलम में उसको ऐड, करिकुलम डजंट मीन कि आप उसको अपना एकेडमिक में डाले हो। एकेडमिक में तो अगर 5 साल तक कोई अगर देश में बहुत जरूरी चीजों में बदलाव हुआ है, तो वो तो जो पॉलिसी मेकर होते हैं देश के शीर्ष जगहों पे बैठे हुए, वो चेंज करते हैं। लेकिन स्कूल क्या करता है अपने छोटे स्तर पे, कि सोसाइटी में मान लीजिए कि कहीं गंदगी फैला हुआ है, सपोज कीजिए, तो वो अपने स्कूल एक्टिविटी में क्या करेगा, उसको शामिल करेगा और अपने असेंबली में इस चीज का बच्चों को कंसल्ट करेगा, बच्चों के साथ ये डिलीवर करेगा कि चलिए हम वहाँ की जाके सफाई करते हैं, या गवर्नमेंट कोई मान लीजिए कि स्वच्छ भारत अभियान लाया, तो किस तरह से हम अपने स्कूल में उस चीज को इम्प्लीमेंट करें। यानी कि चेंज इन फ्लेक्सिबिलिटी नेचर होना चाहिए करिकुलम एक्टिविटीज का, को करिकुलर एक्टिविटीज का स्कूल के अंतर्गत। ये सारे डेमोक्रेटिक वैल्यू, डेमोक्रेटिक सेटअप के अंतर्गत ही आएगा। फिर करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंजेबल होना चाहिए, ये हो गया। उसके बाद क्या होना चाहिए कि एक डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण की सेटअप जो है, एक व्यवस्था जो है स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस में होनी चाहिए। विकेंद्रीकरण मतलब, विकेंद्रीकरण का सिंपली अर्थ होता है कि पावर जो है वो ऊपर से, ऊपर की ओर से नीचे की ओर प्रभावित होती है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ पावर इज गोइंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम, टॉप में कौन हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, बॉटम के सबसे निचले स्तर पे कौन हो गए, विद्यार्थी हो गए सबसे निचले, उसके पहले टीचर्स आएंगे और उससे पहले प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके ऊपर में ऑर्गेनाइजेशन मैनेज ऑर्गेनाइजेशन आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के नीचे टीचर और स्टूडेंट होंगे, और ऑर्गेनाइजेशन के होल सेटअप है। तो क्या करे, क्या है यहाँ पे बातें कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट कोई एक घोषणा कर दिया कि चलिए ये हमें ये एक्टिविटी मान लीजिए हमें करनी है, ये प्रोग्राम कंडक्ट करना है, इस तरह से वो विदाउट किसी टीचर से, स्टूडेंट से कंसल्ट किए, पेरेंट्स से कंसल्ट किए अगर कोई डिसीजन ले लेते हैं स्कूल के रिगार्डिंग, तो ये कैसा हो गया, ये सेंट्रलाइज प्रोसेस हो गया कि हम अपने यहाँ के जो छोटे छोटे हमारे जो सहयोगात्मक एलिमेंट है जिसके सहयोग से ही हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, हम उसके डिसीजन को इग्नोर नहीं कर सकते, अपने से कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते हैं जो जिसका इफेक्ट जो है निगेटिवली किसी पे जा रहा है, सोसाइटी पे जा रहा है, या टीचर्स पे जा रहा है, या स्टूडेंट का कोई चीज प्रभावित हो रहा है। मान लीजिए कोई हमें प्ले करना है स्कूल में, तो क्या होता है, एक मीटिंग होता है, टीचर्स जो है स्टूडेंट से मीटिंग करती है और टीचर से मीटिंग प्रिंसिपल करते हैं कि हमें ये प्ले, ये मीटिंग होने का मतलब ही होता है कि प्रोसेस कैसा है, डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है कि हम सबके बातों को सुन रहे हैं, सबके डिसीजंस को मान रहे हैं, तब जाके बड़े स्तर पे हम एक डिसीजन ले पा रहे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो सिस्टम्स होता है वो भी वन ऑफ द प्रिंसिपल होना चाहिए स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। फिर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी वन ऑफ द प्रिंसिपल होना चाहिए स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। कैसे मैक्सिमम, ऑब्वियसली जो स्कूल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है अपने रिसोर्सेज को ही तो अरेंज करता है अपने गोल को फुलफिल करने के लिए। तो गोल को फुलफिल, तो क्या होना चाहिए, उसके यहाँ जितने भी रिसोर्सेज हैं किस तरह से टीचर्स रिसोर्सेज को हम टैक्टिकली
फुली यूज करे अपने गोल को एकम्प्लिश करने के। इस तरह से स्टूडेंट इज वन ऑफ द रिसोर्सेज, स्टूडेंट रिसोर्सेज को हम किस तरह से इस्तेमाल करें, जो हम विद्यालय संगठन जिसने उद्देश्य निर्धारित किए, उस जो उद्देश्य डिटरमाइन किए उसको प्राप्त करने के लिए हम बच्चों का किस तरह से यूटिलाइजेशन करें, अपने यहाँ के जितने भी हमारे अवेलेबल रिसोर्स है, चाहे लाइब्रेरी हो, लेबोरेटरी हो, स्पोर्ट्स हो, प्लेग्राउंड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, अपना वन ऑफ द रिसोर्सेज इज ऑल्सो टाइम, टाइम समय का किस तरह से हम रिसोर्स को इस्तेमाल करें, तो कैसे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, ये भी वन ऑफ द प्रिंसिपल होना चाहिए स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और विद्यालय संगठन का। लास्ट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम, जो हमें इससे पहले चर्चा की उस पर आ जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सोसाइटी के नीड्स चेंज होते हैं, कंट्री के नीड्स चेंज होते हैं, बच्चों की नीड्स चेंज होती है, बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो समय के साथ जो चेंज होता है, और बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो हमारे स्कूल का भी जो मोड होना चाहिए वो चेंजेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट योर, इसको हम समाप्त कर देते हैं कि स्कूल आज हमने जाना स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन मेनली। तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिफरेंस आप लोगों को बताया कि विद्यालय संगठन, विद्यालय प्रशासन और विद्यालय प्रबंधन में मेनली क्या अंतर है। मेनली जो याद रखने की चीज है कि विद्यालय प्रबंध जो होता है एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं वो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल पे होते हैं, उसके नीचे मैनेजमेंट होते हैं। ये हमने जाना अंतर। उसके बाद उसके एम क्या है, एम को हम बाद में फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने तीन एम आप लोगों को बताया, एक डेमोक्रेटिक सेटअप को अपने यहाँ स्थापित करना, दूसरा एम ने हमने बताया आप लोगों को कि जो रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करके हम एक हारमोनियस और कंड्यूसिव इन्वायरमेंट अपने यहाँ पैदा करें, और चाइल्ड का ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हम चाइल्ड का ऑलराउंड डेवलपमेंट ही वन ऑफ द एम्स होता है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का। देन हमने प्रिंसिपल आप लोग को डिस्कस किया, तो इसका जो असाइनमेंट होता है मैं आप लोग को वीडियो में पीडीएफ करके भेज चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा असाइनमेंट। थैंक यू फॉर दिस सेशन, नेक्स्ट वीडियो पे आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे।